सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ट्रैफिक नियमों का पालन करने के लिए देवघर पुलिस इन दिनों महाअभियान चला रही है। महाअभियान की शुरुआत खुद पुलिस वालों पर एक्सपेरिमेंट कर शुरू किया गया था, जिसमें एक दर्जन से ज्यादा पुलिसकर्मियों का चालान काट दिया गया, कई वाहन भी जब्त कर लिए गए और कई पुलिसकर्मियों के लाइसेंस रद्द करने के लिए परिवहन कार्यालय को लिखा भी गया। देवघर पुलिस महाअभियान के दूसरे चरण में अब आम जनता को ट्रैफिक नियमों का पाठ पढ़ा रही है। देवघर में ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करने वाले वाहन चालक अब सतर्क हो जाए, क्योंकि अब वाहन चलाने से पहले आप हेलमेट जरूर पहन लें, साथ में लाइसेंस भी रखें, और अगर आपकी गाड़ी के पीछे वाली सीट पर कोई सवार है तो उसे भी हेलमेट जरूर पहनाए, नहीं तो आपको आपका चालान काट दिया जाएगा। चालान नहीं काटने पर आपकी गाड़ी जब्त कर ली जाएगी, फिर आपको दुगने परेशानी का सामना करना पड़ेगा, आपके लाइसेंस भी रद्द किए जा सकते हैं। देवघर यातायात डीएसपी आलोक रंजन ने आज बेला बेगान के पास वाहन चेकिंग अभियान लगाया और सैकड़ों वाहन को जब्त कर लिए गए। ट्रैफिक डीएसपी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद देवघर में देवघर पुलिस कप्तान के आदेश पर महाअभियान चलाया जा रहा है। अब दोपहिया वाहन चलाने वाले को हेलमेट और गाड़ी के दस्तावेज साथ रखने होंगे। अगर किसी व्यक्ति को पीछे की सीट पर बैठाकर चल रहे हैं तो उन्हें भी हेलमेट लगाना होगा। चार पहिया वाहन चलाने वालों को सीट बेल्ट लगाना जरूरी होगा। इतना ही नहीं, ओवर स्पीड बाइक चलाने वाले नंबर प्लेट से छेड़छाड़ करने और अंडरएज गाड़ी चलाने वालों पर भी जुर्माना लगाया जाएगा। देवघर पुलिस ने इस महाअभियान की शुरुआत पुलिसकर्मियों का चालान काट कर किया था, अब जनता की बारी है। आज सैकड़ों वाहन जब्त कर लिए गए, कई वाहनों को जुर्माना लेकर छोड़ा गया और कई वाहन थाने में जमा कर दिए गए। कई वाहनों के लिए लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई। कुल मिलाकर अब देवघर में दोपहिया वाहन चलाने वाले ट्रैफिक नियम का उल्लंघन करते पकड़े गए तो आपकी जेब शानदार तरीके से काटी जाएगी। मोटर वाहन अधिनियम में जो अब सुप्रीम कोर्ट का जो दिशा निर्देश था सड़क सुरक्षा को लेकर, उसी का पालन करवाते हैं, क्योंकि सड़क दुर्घटनाओं में काफ़ी ज़्यादा संख्या में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी देखी गई है। प्रावधान होने के बावजूद भी लोगों के द्वारा जो है वो अनुपालन नहीं किया जा रहा प्रावधानों को, उसी को देखते हुए और जो सर्वोच्च न्यायालय का जो दिशा निर्देश है उसी के मद्देनजर हम लोग यहाँ पे चेकिंग अभियान कर रहे हैं, और इसमें सभी वर्ग के, चाहे वो पुलिस के हों या किसी भी वर्ग के हों, जो आम नागरिक, सभी को काटा जा रहा है। जो नियम संगत जो प्रावधान है उसके अंतर्गत लाइसेंस सीज की जा रही है, वाहन इनके लाइसेंस है उनका वाहन सीज किया जा रहा है, तो जो प्रावधान है उसी के अंतर्गत किया जा रहा है। और आम जनता से भी ये अपील रहेगा कि फोर व्हीलर्स में सीट बेल्ट अवश्य पहने सभी लोग, मीडियम राइडर्स जो दो हैं आगे पीछे बैठने वाले दोनों हेलमेट का लगाएं, ओवर स्पीडिंग ना करें, और जो नियम है ट्रैफिक का उसका बिल्कुल अक्षर सा पालन करें। क्या आप भी बेहतर माइलेज के साथ स्मार्ट लुक की बाइक लेना चाहते हैं? क्या आप मिनिमम डाउन पेमेंट के साथ आसान किस्तों में बाइक लेना चाहते हैं? तो आपके लिए है खुशखबरी। जी हाँ, आपके शहर मागामा में खुल चुका है यामाहा का न्यू हीरा मोटर शोरूम, जहाँ आपको यामाहा की बाइक मात्र 40,000 रुपए में आसान किस्तों के साथ मिल रही है, और यामाहा की स्कूटी मात्र 30,000 रुपए में आसान किस्तों के साथ आप अपने घर ले जा सकते हैं। तो अब आपका सपना नहीं रहेगा अधूरा। आज ही पहुँचे और अपनी पसंदीदा यामाहा की बाइक्स को विजिट करें। हमारा पता है केचवा चौक, ललमटिया रोड, महागामा, हीरा मोटर्स। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें।